हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कोजी केयर स्किन लाइटिंग सोप की रिव्यू। ये सोप जो है बॉडी एंड फेस दोनों जगह आप यूज़ कर सकते हो। ये मैंने अब बहुत पहले परचेज किया था अमेजन से, पैक ऑफ 6 था। ऑनलाइन में मैंने देखा कि ये सिंगल पैक में अवेलेबल नहीं है, पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 4, 5, पैक ऑफ 5, पैक ऑफ 6, इस टाइप में जो है आपको अवेलेबल होता है। अगर कोई सिंगल पैक परचेज करने की सोच रहा हो ना, तो वो नहीं है। कोई बंदा फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहेगा तो सिंगल पैक ही परचेज करेगा ना, ट्राई करेगा, तो वो नहीं है। तो कोई नहीं, सोपी है, डेली यूज़ की चीज़ है, पसंद आए ना आए वेस्ट तो जाएगी नहीं, है ना। तो अच्छा, ये जो 6 का पैक जो है, रेट जो है अभी जो है 380 रुपीज़ है, पर सोप पड़ती है अप्रॉक्स 63 रुपीज़ है। ये 75 ग्राम की साबुन है, बहुत ही बड़ी नहीं है, ठीक है। तो ये स्किन वाइटनिंग सोप है, स्किन को जो है वाइटनिंग लुक देगी, स्किन पर मॉइस्चराइजिंग बनाए रखेगी, एंटी एजिंग के ऊपर काम करती है। इसमें जो है सनस्क्रीन प्रोटेक्शन भी मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो एक्टिव इन्ग्रीडियंट है वो है कोजिक एसिड, आरबोटी, विटामिन ई, विटामिन सी, ग्लूटाथियोन। नेचुरल इंग्रेडिएंट है, स्किन के लिए सेफ है। कोजिक एसिड अर्बुटिन जो है नेचुरल प्लांट से एक्सट्रैक्ट से निकाला जाता है, स्किन को वाइटनिंग करता है, दाग धब्बे को रिड्यूस करता है। स्किन के ऊपर जो जमी हुई गंदगी होती है, डेड सेल्स जो होता है जमा रहता है, उसको क्या है धीरे धीरे हटा देता है। स्किन को जो है फ्रेश करती है। स्किन में जमी जितने भी डर्ट्स ऑयल रहता है उसको क्लीन कर देता है, ठीक है। तो ये सोप यूज करने के बाद स्किन जो है फ्रेश हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो ये ना स्किन को जो है ड्राई आउट नहीं करती। कई सोप ऐसे होते हैं तो स्किन को ड्राई कर देते हैं, तो स्किन जो है रुखी रुखी हो जाती है, खिंची खिंची सी रहती है, तो ऐसा नहीं करता ये सोप। स्किन पर जो है मॉइस्चराइजिंग बनाए रखता है, ठीक है। जहाँ तक वाइटनिंग की बात है वो नहीं है, स्पॉट्स वगैरह को हटाने की बात है वो भी इतना नहीं है। स्पॉट्स जो है एक साबुन से तो खाली रिड्यूस नहीं होगा, वो आपको भी पता है। ओवरऑल सही है डेली यूज़ के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ना सन टैन हुआ है डेली, आपका काम जो है बाहर रहता है, स्किन काली पड़ जाती है, तो उस कंडीशन में ज़रूर ये काम करता है। कालापन जो है जमा नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो डेली हट जाएगा। तो फ्रेंड ओवरऑल अच्छा सोप है, ट्राई कर सकती हो। मैजिकल ऐसे प्रोडक्ट नहीं है, एंड ये जो क्लेम करता है वो वैसा नहीं है, बट ठीक है, ओवरऑल जैसा सोप होना चाहिए वैसा ही है। सो फ्रेंड यही थी मेरी आज की रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और प्रोडक्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।